देश बाहर प्रतिष्ठा हेबो द्वितीय आईआईटी कैंपस तांजानियार जांजिबर परे एबे यूएई आबुधाबी रे प्रतिष्ठा हेबो आईआईटी कैंपस। भारत तथा विदेश छात्र छात्रीक पई खोलिबो शिक्षार नुआ द्वार। उच्च शिक्षार अंतर्जातीयकरण दिगरे आईआईटी दिल्लीर बड़ पदक्षेप। एथिपई शिक्षा मंत्रालय और आबुधाबी शिक्षा विभाग पक्ष एक एमओयू स्वाक्षरित होईछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई गस्त समय ही एमओयू स्वाक्षरित होईछि। 2024 जनवरी में मास्टर डिग्री पई पाठपढ़ा आरंभ होबाकु थिबा बेले सेप्टेम्बर में ब्याचलर डिग्री पई पाठपढ़ा आरंभ होबो। एहा द्वारा शिक्षा क्षेत्र में दुई देशर संपर्क आहुरी निबिड़ होबा सहित छात्र छात्री मध्यरे इनोवेशन पई आग्रह आसिबो। ए पदक्षेप भारत प्रधानमंत्री और यूएई राष्ट्रपति सफल नेतृत्व प्रतिफलन बोली कहिछन्ति केन्द्र शिक्षा दक्षता विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में, यूएई के राष्ट्राध्यक्ष की उपस्थिति में एक चुक्ति समझौता हुआ जिसमें साक्षरित हुआ, जिसमें आईआईटी दिल्ली जो देश की एक अत्यंत महत्वपूर्ण एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, ये आबू धाबी में यूएई सरकार के खर्चे से एक इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा। इसमें आईआईटी दिल्ली की एजुकेशन मॉडल को, यानी भारत की आईआईटी एजुकेशन मॉडल को यूएई में अडॉप्ट करेंगे। इसके कारण हमारी नॉलेज की एक्सपेंशन ग्लोबल स्पीयर पे तो पहले अजय पास आउट होता था, अभी छात्र अवस्था में भी उसकी शुरू होगी और पिछले 7 तारीख को जब देश की विदेश मंत्री आदरणीय जयशंकर जी तांजानिया गए थे, वहाँ भी इसे आईआईटी चेन्नई की एक कैंपस वहाँ की सरकार की निमंत्रण पर खोला गया। तो जुलाई के महीने में भारत की दो आईआईटी, एक माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में और एक विदेश मंत्री की उपस्थिति में, उस इंटरनेशनलाइजेशन की एक बड़ी विजन को हमने पूरा किया है।